नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से है। किसान आज अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि किसानों के दो बड़े संगठनों ने दिल्ली कूच का नारा दिया है। केंद्र सरकार के वादों को याद दिलाएगी। केंद्र सरकार ने MSP लागू करने का वादा किया था। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा का ये बड़ा ऐलान। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसानों का दिल्ली कूच। सरकार ने किसानों का मार्च रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सीमेंट के बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। कटीले तारों से बॉर्डर को रोका गया है। टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या फिर गाजी बॉर्डर हो, इन सभी बॉर्डरों पर 3-लेयर सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो ये तस्वीर आपको भी दिखा रहे थे, जो लाइव तस्वीरें आ रही थी वहां से साफ तौर पर कि किस तरह की तैयारी है। तो आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह की तैयारी सरकार की ओर से की गई है किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि लगातार किसान अपनी मांग को लेकर जो है कि वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। कल भी 5 घंटे से अधिक बैठक चली है। देखिए ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 100 से ज्यादा जो रूट है दिल्ली के, उसे कह लीजिए कि डाइवर्ट कर दिया गया है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में किस तरह से रोड रोलर आप देख सकते हैं, जो कीले हैं कीलों को बिछा दिया गया है। बैरिकेटिंग के ऊपर भी कटीले तार लगा दिए गए हैं। ये आप पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं उनको किस तरह से प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं गाड़ियों को रोक रोक कर भी उनसे पूछताछ की जा रही है, यानी कि प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। आप तीसरी तस्वीर में आइए, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था है। चौथी तस्वीर आप देखिए, जहां पर इस वक्त पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई है, अर्धसैनिक बलों की यहां पर तैनाती की गई है। और पांचवी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सीमेंट बालू है उससे जो बॉर्डर का एरिया है उसे अस्थायी रूप से रोकने के लिए वहां पर बड़े बड़े बैरिकेटिंग अस्थायी रूप से बनाए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अस्थायी रूप से 2 जेलों का भी निर्माण किया गया है, यानी कि 2 जेल अस्थायी रूप से बनाए गए हैं। ये 5 तस्वीर अपने आप में काफी कुछ बयां करती है कि किस तरह से सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, किस तरह से वहां पर किसानों को रोकने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। और अभी आपको जानकारी दे दें कि कुछ देर पहले ही किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव जो हैं सरबन की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया और कहा गया कि वो अपनी मांगों को लेकर किस तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं। यानी कि सरबन पंडेर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई और कहा गया कि किस तरह से ये उनका आंदोलन का पूरी उनकी आंदोलन की पूरी रूपरेखा रहने वाली है। कल की जो बैठक हुई है, 5 घंटे से अधिक जो बैठक हुई है, उस बैठक में उन्होंने अपनी मांगे जो है वो सरकार के सामने रखी है। आप जरा समझिए कि किसानों की मांग क्या है। आपको जानकारी दे दें कि 2020 केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानून लाए गए थे। उन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान की ओर से एक लंबा आंदोलन किया गया था और उस लंबे आंदोलन के खत्म करने के लिए सरकार ने किसानों की मांग मांगी थी और कहा था कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए तो सभी मांगे जो हैं अब वो मान ली जाएंगी। और ऐसे में सबसे बड़ी मांग जो है किसानों की वो ये है कि MSP लागू की जाए, यानी कि MSP को कानूनी रूप दिया जाए। किसान आंदोलन के समय जो मुकदमे दर्ज किए गए थे किसानों पर, उसे खत्म किया जाए और लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी को जेल भेजा जाए। और इसी के तहत ही किसान जो है 60 वर्ष के ऊपर के हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें पेंशन देने की मांग की जा रही है। तो इस तरह से तमाम बड़े मांग जो हैं वो किसानों की ओर से रखे गए हैं। और कल की जो बैठक हुई है, जो कि 5 घंटे से अधिक बैठक हुई है, जिसमें पीयूष गोयल और इसी के साथ ही अर्जुन मुंडा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ 5 घंटे से अधिक ये बैठक हुई है, उस बैठक में कई मुद्दों पर सहमति तो बनी लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। और ऐसे में अब किसान जो है वो दिल्ली कूच करेंगे, जैसा कि समय भी निर्धारित कर दिया गया था कि 10 बजे से किसान जो है वो कूच करेंगे। लेकिन किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि अगर उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो वहीं पर बैठ जाएंगे अपनी मांगों को लेकर, और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। तो आपको बता दें कि आज किसान जो हैं वो फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। तमाम बड़े जो प्लान है किसानों की ओर से वो भी हैं, और बताया जा रहा है कि 200 से अधिक जो किसान हैं वो इसमें शामिल होंगे। दो बड़े जो किसान के दल हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की बात कर ले और एक और गैर जो राजनीतिक दल है, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। यानी कि उनके आह्वान पर ये पूरा जो आंदोलन है वो हो रहा है, यानी कि दिल्ली कूच किया जाएगा किसानों की ओर से और किसानों को रोकने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें, आपको ट्रैक्टर से
किसान जो है वो दिल्ली की सीमा में घुसने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें कि किस तरह से किसान भी पीछे नहीं है, किसानों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जिस तरह से सरकार किसानों को रोकने की तैयारी कर रही है, किसान भी घुसने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आप इस ट्रैक्टर को देख के आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तैयारी किसानों की ओर से की गई है। ट्रैक्टर पर वो जो पन्नी है वो चढ़ाई गई है, तो किसान भी पूरी तरीके से इस बार की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो देखकर साफ तौर पर लगता है कि किसान भी इस बार नहीं मानने वाले हैं। ये देखिए आप, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान जो हैं वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के 14 से 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहां पर 115 कंपनियों को तैनात कर दिया गया, जिसमें से 64 से अधिक जो कंपनियां हैं वो कह लीजिए कि अर्धसैनिक बलों की हैं, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की वहां पर लगा दी गई हैं। और ऐसे में इंटरनेट सेवाओं पर भी वहां पर कई जिलों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। और क्योंकि पंजाब की जो सरकार है उन्होंने कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन हरियाणा की सरकार ने पंजाब से सटा हुआ जो सीमा है, पंजाब से सटी जो सीमा है, वहां पर पूरी तरह चौकसी कर रखी है, वहां पर व्यवस्थाएं कर रखी है। अब आप देख सकते हैं किसानों का आना शुरू हो चुका है, ट्रैक्टर से किसान जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले लोग परेशान होंगे, हालांकि 100 से ज्यादा ट्रैफिक जो है डायवर्जन किया गया। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम कि किस तरह से वहां पर किसानों की ओर से भी तैयारी की जा रही है। एक तरफ किसान जो है वो कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं पर सरकार की ओर से किसानों को रोकने के लिए भी तैयारी की जा रही है। ये आप 5 तस्वीरों के जरिए तैयारियों का जायजा ले सकते हैं, यानी कि तैयारियों का पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारी केंद्र सरकार की ओर से की गई है किसानों को रोकने के लिए। क्योंकि कह लीजिए कि इनपुट मिले हुए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अराजक तत्व भी इसमें घुस सकते हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष तिवारी हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से लाइव जुड़ चुके हैं, जितेंद्र गौतम हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ चुके हैं, और ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। पहले रुक कर लेते हैं पीयूष का। पीयूष, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है टिकरी बॉर्डर पर, किस तरह की व्यवस्थाएं आप वहां पर देख पा रहे हैं और क्या किसानों को आना शुरू हो चुका है? तमाम जगहों पर दिल्ली के जो बॉर्डर है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था सब ठीक नहीं है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, यहाँ तक की स्कूल भी दिखाई नहीं है किसी भी तरीके से। जो ट्रैक्टर से वो दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर पाए। कानपुर से कच्चे पर निगरानी की जा रही है, अर्धसैनिक बलों की जवानों की भी तैनाती की गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही सरकार की मातृत गृह मंत्रालय भी पूरे किसान किसानों के प्रदर्शन पर जारी है कि दिल्ली के लोग मार्ग पर पूरी तरीके से नजर गृह मंत्रालय की भी बनी हुई है, और अतिरिक्त प्रक्रिया भी अर्धसैनिक बलों की वहां पर भेजी जा रही है। चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, सुपुर बॉर्डर की बात करें, या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे दिल्ली में चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। सबसे बड़ी बात है करीब 200 किसान संगठन है जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, और कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें निकल सामने आ रही है कि किसान जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार की ओर से ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से कोई अगर अराजकता फैलाता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो जो आंदोलनकारी नुकसान पहुंचाएगा उसी से इसकी भरपाई भी की जाएगी। कई जिलों में इंटरनेट को भी बंद किया गया है, और ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर जरूरी पड़े तो कई मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया जा सकता है। तो तमाम जो एहतियात है वो बढ़ते जा रहे हैं किसानी स्तर पर, और तमाम जी पीयूष एक बार जल्दी से तस्वीरें भी वहां की दिखा दीजिए जहां अभी आप टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है, जरा वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक दिखा दीजिए, फिर मैं अन्य लोगों के पास जाती हूँ। देखिए अभी हम टिकरी बॉर्डर से दूरी पर हैं क्योंकि कंप्यूटर प्रशासन की ओर से तमाम बैरिकेडिंग की गई है और रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में संभवतः टिकरी बॉर्डर से भी तमाम तस्वीरें आने लगी किसी की जांच एवं व्यवस्थाएं तरफ से तैयारियां वो सुरक्षा की दृष्टि से कंप्लीट जो तैयारियां वो की गई है और ड्यूटियां लगाई गई। सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी के लिए
सीसीटीवी कैमरे हैं अनाउंसमेंट के लिए, जो माइक्स हैं वो लगाए गए हैं, निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे हैं और जो चाक चौबंद एक सुरक्षा है वो की गई है। और यहाँ पे आपको जो डाटा है वो दे दिया जाएगा, लेकिन सफिशियंट मात्रा में यहाँ रोका जाएगा। देखिए इससे जो भी एक स्थिति, तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं पुलिस की ओर से, और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जी लगातार नोएडा से बने हुए हैं। निशांत जी, वहां पर किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं, कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कितने वहां पर कंपनियां तैनात की गई हैं पुलिस फोर्स की? देखिए अर्चना, जिस तक कहा जा रहा था कि नोएडा में लगातार जो है नोएडा से जो है दिल्ली की तरफ जो है किसान कूच करेंगे, जिससे लेकर जो यूपी और दिल्ली के जो बॉर्डर है उनको पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस बल भारी संख्या में वहां पर लगाया गया, साथ ही उनके जो तमाम जो पीएससी हो या फिर ट्रैफिक कर्मचारी हो या अन्य तमाम फोर्स हो, वहां पर बल जो है पुलिस बल बाकायदा तैनात किया गया। और उसके साथ साथ जो देखा जा रहा है बैरिकेडिंग के साथ साथ तमाम पुलिस फोर्स लगाएगा, अधिकारी खुद अलर्ट है। उसके अलावा नौकीले ऐसे दस्तावेज वहां पर लगाए गए हैं, कीले लगाई गई हैं, जिससे किसानों को बाकायदा उनको रोका जा सके। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, नोएडा के जितने भी बॉर्डर हो, डीएनडी हो या फिर आपका हम गाजीपुर की बात करें या फिर अपना सेक्टर 37 की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर नोएडा और दिल्ली को कहीं ना कहीं रोकते हैं वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। उसके अलावा जो तमाम आने जाने वाले जो लोग हैं, वाहन जो है उनको चेकिंग की जा रही है, उनमें देखा जा रहा है कि किस तरीके से कोई किसान कूच तो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं उन्हें सख्ती से देखा जा रहा है। कॉमर्शियल जो वाहन है उन पर रोक लगाई गई है, और कहीं ना कहीं निगरानी जो है सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है, ड्रोन कैमरे से की जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं अलर्ट हैं, लगातार बार बार निर्देश दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं सख्ती से पूरे मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से किसानों की मांग थी कि 2021 में खुद किसान धरने पर बैठे थे, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको एमएसपी को लागू करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाई है। उन्हीं मांगों को लेकर जो है किसान दिल्ली की तरफ पूछ कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की, यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम पंजाब की बात करें, सभी बॉर्डर जितने भी दिल्ली बॉर्डर हैं उन बॉर्डरों को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग किया गया है। पुलिस बल वहां पर लगाया गया है, बाकायदा वहां पुलिस फोर्स लगाई गई है, काफी संख्या में पीएससी लगाई गई है। उसके अलावा तमाम जो पीएससी है, जो अर्धसैनिक हमारी पुलिस बल है, उनको वहां पर तैनात किया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नोएडा पुलिस की बात की जाए, गाजियाबाद पुलिस की बात की जाए, या यूपी पुलिस के तमाम जो बॉर्डर हैं अन्य उन बॉर्डरों पर लगातार जो है सख्ती से पुलिस के अधिकारी जो है बरतने की बात कर रहे हैं, और लगातार जो है अलर्टता से चेकिंग की जा रही है, वाहनों को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम जो रूट जो देखे जा सकते हैं, चाहे नोएडा एक्सप्रेस वे दिल्ली की तरफ जो जाता है रूट, उस पर भी जाम, ट्रैफिक जाम लग चुका है। कहीं ना कहीं कई किलोमीटर का लंबा जाम है, क्योंकि हर गाड़ी को चेक करके बाकायदा एक एक करके उसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल निशांत जी, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, और क्या किसानों का आना शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल किसान नहीं पहुंच रहे हैं, और जो खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसान हो सकता है इस बार ना आए। लेकिन एहतियात के तौर पर अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तमाम की गई है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से कटीले तार लगा दिए गए हैं, और नीचे सीमेंट की बैरिकेडिंग है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2021 की 26 जनवरी को जब किसान ने दिल्ली राजघाट के लिए कूच किया था, तो तमाम इसी जगह से किसान निकले थे। और ये देखिए, अगर कोई ट्रैक्टर से बाय रोड के अलावा साइड से निकलने की कोशिश करेगा तो तमाम जो कर सकते हैं दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसी, और इसके अलावा आरपीएफ के जवान जो कर सकते हैं, वो तमाम चीजें यहाँ पर की गई है। और कुल मिलाकर मकसद पूरा साफ है कि किस तरह से दिल्ली की हवा को खराब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में अराजक तत्व भी उसमें शामिल होते हैं, और इसके बाद इस तरह के हालात सामने निकल कर आते हैं। हालांकि अगर गाजियाबाद की बात करें तो NH9 इस वक्त पूरी तरह से ठप हो चुका है, क्योंकि ऊपर की तरफ भी बैरिकेडिंग की गई, जिसके चलते गाजियाबाद में जाम जैसी स्थिति बन चुकी है। अगर इसी तरह से ये स्थिति बनी रही तो हो सकता है कि आने वाले समय में गाजियाबाद
के लोगों को या फिर मेरठ NCR से जो दिल्ली की तरफ जाते हैं उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपने तस्वीरें भी दिखाई किस प्रकार से गड्ढे खोद दिए गए हैं ताकि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली से भी आने की कोशिश करते हैं तो वो पार ना कर पाए। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ निशांत जी भी लगातार बने हुए हैं। निशांत जी, क्या इस तरह की तैयारी आप वहां पर भी देख पा रहे हैं जिस तरह से हमने अभी गाजीपुर बॉर्डर पर देखा है कि किस तरह से कटीले तार तो लगाए गए हैं लेकिन क्योंकि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से कूच करेंगे इसके लिए गड्ढे भी खोद दिए गए हैं। देखिए अर्चना, DND हो, कालंदी कुंज हो या फिर अन्य बॉर्डर जो हो, दिल्ली के और UP के जो बॉर्डर हैं उन बॉर्डरों पर बाकायदा बैरिगेटिंग की गई है, नौकीले वहां पर तार वहां पर बिछाए गए हैं। उसके अलावा जो कीले हैं, जो वहां पर कील वहां पर लगाई गई हैं जिससे वो आगे वाहन ना बढ़े, ट्रैक्टर ना बढ़े या कोई जो किसान है वो आगे पास ना हो पाए, दिल्ली में कूच ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं जिसको देखते हुए पुलिस बल के साथ 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 जो है तमाम जो दस्तावेज है वहां पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, पुलिस फोर्स के कर्मचारी वहां पर लगाए गए हैं, 500 ट्रैफिक कर्मी जो बॉर्डरों पर लगाए गए हैं और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं, जहां यहां पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, DCP ट्रैफिक की बात की जाए या अलग अलग जोन के जो DCP हैं उनकी बात की जाए, वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। तमाम ACP स्तर के अधिकारी वहां पर लगे हुए हैं, पुलिस बल तैनात है और कहीं ना कहीं बार बार कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए, किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। लेकिन किसानों की जो मांग है, जिस तरीके से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे या MSP को लेकर जो केंद्र सरकार से उनका जो दावा हुआ था अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है और इसी दावे को लागू कराने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए लगातार जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो किसान हैं, तमाम जो संगठन हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है। हालांकि नोएडा में भी खुद किसानों के जो संगठन है उनकी बैठक हुई है और पूरी प्लानिंग कर चुके हैं कि हमें दिल्ली की तरफ कूच करना है, क्योंकि नोएडा में तमाम पहले भी मांगे रही है नोएडा के किसानों की, तमाम जहाँ अथॉरिटी की मुआवजे को लेकर मांग हो या फिर नौकरी को लेकर, युवा नौकरी को लेकर मांग हो, तो इन मांगों को लेकर भी कहीं ना कहीं पहले से ही किसान नाराजगी जताते रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले भी पूरी तरीके से नोएडा एक्सप्रेसवे चक्का जाम कर दिया था किसानों ने और उसके बाद जो है उनकी वो भी बात अभी नहीं मानी गई है और इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं किसान जो है अलर्ट जो कूच कर सकते हैं, उसी को लेकर नोएडा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। नोएडा के जो बॉर्डर है, दिल्ली के जो बॉर्डर है, वो सभी बॉर्डरों पर पुलिस बल वहां पर लगाया गया है, बाकायदा एक एक गाड़ी को चेकिंग की जा रही है और लंबा जिस वजह से ट्रैफिक भी लग गया है, क्योंकि आने जाने वाले जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में लोग जो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है दिल्ली और नोएडा बॉर्डर की, यूपी बॉर्डर की, तो कहीं ना कहीं उन बॉर्डरों पे तमाम समस्या जो है जाम की सामने देखने को मिल रही है। उसके बाद जो है अब देखने वाली ये बात होगी, जिस तरीके से किसान कूच करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है जो प्रशासन और जो पुलिस है, पुलिस बल जो है बाकायदा एक्टिव किया गया है, किस तरीके से उनको रोका जा सकता है और किस तरीके से जो आने वाली देखने वाली तस्वीरें सामने आएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि तमाम तैयारी भी पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से की गई है। जितेंद्र, जरा ये भी बता दीजिए कि आम लोगों के लिए क्या कुछ रूट रखा गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, तो आम लोगों को क्या वहां पर बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जितेंद्र, आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ी जो समस्या है वो गाजियाबाद में जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली NCR और NCR के अंदर की तरफ जाते हैं या फिर दिल्ली के अंदर जाते हैं या फरीदाबाद जाते हैं, उन तमाम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह से रूट को बंद किया गया है उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत है और जाम लग रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें NH9 पर 4-लेन हाईवे है, जिसको एक तरफ से 4-लेन हाईवे, उसमें 3 लाइनें पूरी तरह से बंद कर दी गई है। वहां पर सरिये अनुकूलित तौर पर लगाए गए हैं कि अगर किसान आते हैं और उसको पार करने की कोशिश करते हैं तो उनके ट्रैक्टर पंचर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक लाइन को खुला छोड़ा गया है ताकि एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाएं जो है वो वहां से निकल
साथ ही जो ट्रैफिक है वो भी वहां से धीरे धीरे निकल रहा है, जिसके चलते गाजियाबाद में इस वक्त लगभग 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम देखने को मिलेगा, चाहे वो इंदिरापुरम हो चाहे वो विजयनगर की तरफ हो, तमाम ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के जाम की तस्वीरें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी जो है नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई है। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, हमारे तमाम सहयोगी जो है उन्होंने भी तस्वीरें दिखाई कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है।